ये सूखे नल और ये सूखी धरती, ये गवाही देती है इनके प्यासे होने की। यह मुल्क भी कभी खुशहाल था, यहाँ भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थी, पर वक्त का और प्रकृति की ऐसी मार पड़ी कि ये सूखा हो गया। मानो किसी ने इसकी हंसी छीन ली, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। और आप देख सकते हैं, हम उफरैंखाल की वादियों में यहाँ पे घूमते हुए, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय दिग्विजय सिंह, आभार व्यक्त करते हुए हमारा। अभी हमने और ये अनुज, अनुज भाई हमारे, और आज हम निकले हैं जंगल भ्रमण के पे। कल रात को यहाँ बर्फबारी हुई थी, तो हमने सोचा थोड़ा जायजा लेते हैं जंगल का कैसा कैसा है। आगे का प्रकाश जो यहाँ के लोकल बॉय हमारे बिजू भाई हैं वो डालेंगे। तो बिजू भाई, क्या लगता आपको, कितनी ये ज्यादा बर्फ गिरी है? ये ज्यादा तो नहीं गिरी, पर पिछले साल से थोड़ा कम गिरी है। एंजॉय हम भरपूर कर रहे हैं जी। और जैसे कि हम बिना सेफ्टी के जंगल में जा रहे हैं, तो किस प्रकार के खतरे हमें वहां पे मिल सकते हैं? बस यही रोमांच हमारा, बिना कोई सेफ्टी के देखते हैं, सेफ्टी के सब जाते हैं। ये रोमांच में जो मजे है, ये तो जिस प्रकार हमारी उम्मीद है कि हमें एक मुर्गा मिल जाए वहाँ, और जंगली जानवर मिलेंगे तो हम आपको भी सूचित कर देंगे। हम ही मुर्गा बनते हैं। हमें यहाँ देखिए रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है यहाँ, बहुत ही दुर्गम जा रहे हैं। जैसा कि आप मुझे भी देख सकते हैं, ये कोई नेचुरल चीजें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए बर्फ की, बर्फ भी बहुत गिर रही है यहाँ से पेड़ों से, पर फिर भी हम हिम्मत कर रहे हैं क्योंकि हमको मुर्गा खाना है। उधर देख सकते हैं हम वो गधेरे में कितनी बर्फ है वहाँ, यहाँ तो खैर अभी गल चुकी है। रानखील बोलते हैं इसको, उधर डुलमोट है, लेकिन वहाँ बर्फ नहीं पड़ा क्योंकि अभी बर्फ कम ही पड़ा है इस बार। जैसे कि बिजू भाई ने कहा, कमजोर दिल वाले ना देखें। हम टॉप में पहुंचने वाले हैं, नजारा देख सकते हैं आप यहाँ से पूरा। ऐसा नजारा शायद आपको स्वर्ग में देखने को भी ना मिले। यही तो बात है हमारे उत्तराखंड की, स्वर्ग, सिंपली हेवन। अच्छा, हाँ तो देख सकते हैं आप कितना ऊपर एक टप्पर टाइप का है। अच्छा, मेरा नहीं क्षेत्र देश है, मतलब मेरा देश है। अच्छा, उसके दर्शन भी करना चाहेंगे हम। तो जैसे कि आपने सुना अभी दिग्विजय भाई के मुंह से कि यहाँ से लोग, नजारा देखिए, धीरे धीरे बर्फ बढ़ती जा रही है ऊपर को, जान जा रहे हैं लोग यहाँ लकड़ी के लिए आते हैं। इतना दुर्गम क्षेत्र, इतने कठोर यहाँ के लोग, यहाँ थोड़ा वो बर्फ भी बहुत ज्यादा है, ये देख सकते हैं। अनुज भाई भी प्रकाश डाली कुछ, जैसे कि वो भी यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में आए हैं। मुझे अनुभव भी है, एक घंटे गाइड का हमें 200 रुपए चार्ज किया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी नजारा। अतुल भाई, क्या इस मौसम में आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन तो नहीं कर रहा? जी मिल जाएगी तो जरूर पियेंगे, लेकिन अभी हमारे पास पियेंगे थोड़ा,
उपलब्ध नहीं है सामग्री। डर के आगे जीत है, देख सकते हैं हमें बर्फ। मजा तो आ रहा है काफी, पर यहाँ लग रहा है जैसे कोई जंगली मुर्गा मुर्गी होंगे यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, हो सकता है बाघ हो सकता है मुर्गा हो, कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए, आगे हम तुमको ऐसे दिखाएंगे बिल्कुल लाइव, जो आप घर बैठे देखने का आपको मौका मिलेगा सीधे हमारे को टेलीकास्ट करेंगे आपको लाइव। देखिए कैसे जाना पड़ रहा है आपके घर तक, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। उधर भी दिखा दीजिए, उधर फोकस मारिए, वो है हम वहाँ उतनी दूर से आए इधर। ये नीचे आप देख सकते हैं रोड है, चल लिया है, इतना कवर कर दिया हमने पूरा हमारा जो रास्ता है। चलिए धीरे धीरे बढ़ते रहिए। प्याले पर से तक हंसदा खेलदा मन की छाया यक, आज वे मरे घटिया गाल, आज वे मरे घटिया गाल, घात खेके तनु चक्र चाल के तेन हे विधा। तो भाई लोगों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे क्या करेंगे भाई? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और घंटा दबाना ना भूलिए।